किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहार पर प्रोग्राम सबको वेलकम करता हूँ। आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर इंजमाम-उल-हक वर्ल्ड कप 2019 की टीम का ऐलान करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि काइंडली अपने फोन्स को साइलेंट कर दें, क्योंकि हमारे जो कलीग्स पीछे टेलीविजन के हैं वो लाइट जा रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है। दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि हमारे दोनों साइड के ऊपर माइक्स हैं, अपना हाथ उठा दें, माइक का इंतजार कर लें और फिर सवाल पिछले बार एक तरफ प्लीज हाथ उठा लें, अगर आप बहुत सारे तो इंजमाम का आई कॉन्टैक्ट आपके साथ हो जाएगा। लास्टली इंजमाम ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, टीम का अनाउंसमेंट करेंगे, जो भी उन्होंने कहना है वो कहेंगे और उसके बाद फिर हम फ्लोर ओपन करेंगे और आपके सवाल आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करूं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि ये कितना बड़ा इवेंट है, क्रिकेट का सालों से बड़ा इवेंट है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया है कि अल्लाह के फजल से यारे इवेंट 5 मैं खेल चुका हूँ और एक में से अल्लाह ने हमें इसमें जीत भी दी थी, तो मैं दोनों तरह का मज़ा जानता हूँ, जीत का भी और हार का भी। तो इंशाल्लाह हमारी जो से ये टीम है ये इंशाल्लाह जीत के आएगी, हम सबको ये दुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा करे। तो ये हमने हम सारे सेलेक्टर्स ने, कोच ने, कप्तान ने बैठ के अपनी तरफ से बेस्ट टीम बनाई है और इसमें हमने चैंपियंस ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं उनको, बहुत 11 प्लेयर ऐसे जो चैंपियंस ट्रॉफी के थे हमारे, हमने उनको रखा है और ये 15 जो लोग हैं हमने इनको इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया है, वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया है और 2 साल जो भी हमारे 2 T20 प्रैक्टिस मैच है, T20 का और एक इंटरनेशनल मैच है और फिर सारे कुछ प्रैक्टिस मैच है, उसके लिए 2 लड़के हमने और सिलेक्ट किए हैं। लड़कों का मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड है उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये फखर जमान है, इमामुल हक हैं, आबिद अली हैं, गुल्लक है, आबिद अली को भी पहली दफ़ा, उसने हमारे लड़के हैं तो पहली दफ़ा भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, बाबर आजम हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज हैं, इनको हमने सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि जिस समय इनका सब्जेक्ट टू फिट हो जाएंगे तो उनको, लेकिन हमने इनको कंसीडर किया कि हमारे टीम के मेन प्लेयर हैं। और कप्तान सरफराज अहमद हैं, शताब खान हैं, इमाद वसीम हैं, हसन अली हैं, फहीम अशरफ हैं, शाहिन शाह आफरीदी हैं, जुनेद खान हैं और एम हसन हैं। ये 15 लड़के हसनैन, सॉरी एम हसनैन, मोहम्मद हसनैन, ये 15 लड़के इंशाल्लाह हमारे वर्ल्ड कप के लिए हैं। और जो 2 लड़के हमने इंग्लैंड टूर के लिए किए हैं, अभी देखिए हमारे पास ये एक मौका है कि हम 23 मई तक अगर टीम को चेंज कर सकते हैं तो ये, लेकिन इसमें एक मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को हमने ना इसको T20 के लिए और इंग्लैंड टूर के लिए हमने इसको रखा है। ये 14 फखर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, हारिस सुहेल, ठीक है जी। तो एक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई चीज आपने, ये सारी दोबारा से पढ़ते हैं नाम जरा, दोबारा से कह दूं, फखर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल,
सरफराज अहमद, शहजाद खान, इमाद वसीम, हसन अली, फहीम अशरफ, शाहिद शाह आफरीदी, जुनेद खान और मोहम्मद हसनैन। ये 15 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए है और इंग्लैंड के T20 और वनडेज के लिए जो दो लड़के हैं उसमें आसिफ अली और मोहम्मद आमिर इंक्लूड हैं हमारे। ये 17 लोगों का दूसरा स्क्वाड है जो शुरू में अनाउंस किया है। तो अगर किसी पे आपने कोई चीज पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मोहम्मद याकूब साहब जी, जी जी तो ये बताएं कि आपने जो कंट्री पर गवर्नर अनाउंस किए थे वो तो आपने पाकिस्तान कप के फॉर्म वाले कर दिए, उसमें भी परफॉर्मर रह गए। पहले आपने कहा था कि हम पाकिस्तान कप के परफॉर्मर को कंसीडर करेंगे, तो उनका चांस खत्म हो गया। इसी बात है कि आपके जो मोस्ट प्लेइंग जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, उनके पिछले मैचों में ना तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना पाकिस्तान की वनडे परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप भी पहले मैं आपका सवाल जो आपने पाकिस्तान कप के हवाले से पूछा है उसका मैं दे दूं, फिर दूसरी मैं आपसे परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। पाकिस्तान कप में हम बिल्कुल पाकिस्तान कप के लड़कों की परफॉर्मेंस देख रहे थे, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ती तो हम पाकिस्तान कप से जरूर लड़के ले लेते, ठीक है जी। हमें इसमें बिल्कुल कोई नहीं था, वो हमारा अपना इवेंट था कि अगर उमर अकबर ने वहाँ टॉप किया है या किसी ने टॉप किया है तो उसको हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ट्राई करके आते थे, तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ओपन था। अगर हमें किसी की जरूरत महसूस होती तो हम है ना जरूर लेते उसको, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। दूसरा सवाल आपका कि ये कि हमारी वनडे सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करूं आपसे कि हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज 5-0 से, लेकिन अगर आप बहुत सारे मैचेस देखें, एक तो हमारे 7 से 8 लड़के पहले शुरू के 3 मैचेस में नहीं खेल रहे थे, लास्ट 2 मैचों में हमारे जो पिछले 2 साल से 10 लड़के थे वो मैचेस में नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद हमारी टीम ने फाइट की है, यानी कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसने भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से फाइट की है। मैं हारने की वजह नहीं कह रहा, ठीक है जी, हारने की, लेकिन मुझे अपने लड़कों को रेस्ट देना था, टफ डिसीजन था मेरे लिए भी और बोर्ड के लिए भी, क्योंकि इस चीज पे एग्री करना, ठीक है जी, हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए खिलाफ हमें अपने इतने सारे लड़कों को रेस्ट दें, लेकिन टीम की बेहतरी के लिए कि अब भी जब इंग्लैंड जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से हमेशा टीम से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हम फाइनल खेलेंगे, तो 22 मैचेस खेलने पड़ेंगे 2 महीने में, ये इतना आसान नहीं है क्रिकेट का। और जिससे मैंने लड़कों को रेस्ट दिया था उससे लड़के पिछले 4.5 महीने से मुसलसल क्रिकेट खेलते थे। देखिए मेरी तो गाइड नहीं क्यों हुआ या नहीं हुआ, अब मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात ये कि जी एक 2 हमारे प्लेयर्स हैं, एक इबाद वसीम और मोहम्मद हफीज। हफीज का तो सब्जेक्ट तो फिटनेस है, ठीक है जी, उसको डॉक्टर्स ने मना कर रखा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सारों का फिटनेस टेस्ट पास है, इबाद वसीम का फिटनेस टेस्ट पास नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमने पिछले 2 से 3 साल में बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं इस चीज पे, ठीक है जी, हमने एक फिटनेस को बेंचमार्क बनाया था, उस पर हमने ना स्टिक भी रहे, हमारे लड़कों की फिटनेस भी बेहतर हुई इस चीज़ से। लेकिन जहाँ आके इमाद वसीम पे ये कि हमारी टीम का कभी कभार थोड़ा सा करना पड़ता है, और वो भी इसलिए कर रहे हैं कि जी नहीं, उसको थोड़ी सी डॉक्टर की तरफ से है कि हमने थोड़ी सी उसको फेवर दी इस चीज़ की
कि उसने 17 किया है, पूरा नहीं कर सका, लेकिन बाकी चीजों में सारा उस चीज का हमारे टीम का कम्बिनेशन में और जिस तरह की सूरत थी, तो हमने इमाद वसीम को थोड़ी सी फेवर दी है, ये बिल्कुल सही बात है। एक तो जैसे मैं 92 का मेरा पहला वर्ल्ड कप था, अल्लाह ने उसमें फतह दी, तो ये मेरी सिलेक्शन का पहला वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें भी फतह दे दे। तो पहली तो मेरी ये है। दूसरी चीज ये भी जो टीम से मुझे उम्मीद है, देखिए किसी एक इवेंट में ये कह देना कि ज्यादा इवेंट हम जीत जाएंगे, ये एक मुश्किल चीज है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपनी टीम से ये उम्मीद पूरी है। आचक हमारी टीम केपेबल है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं अल्लाह के फजल से, एक ऐसी बात नहीं है कि नहीं जीत सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है, ठीक है जी, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मैं ये कभी नहीं कहता था कि हम मैंने ज्यादा इवेंट जीत सकते हैं, ये वाली बात नहीं है तो आगे की, लेकिन इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है अपनी टीम से कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी, और जहां तक मेरे लड़कों की सलाहियतों का ताल्लुक है, तो अल्लाह ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी यही 11 लड़के हैं इस टीम में, इसको इज्जत दी थी, तो अब भी इज्जत इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। धन्यवाद रसूल। नहीं देखिए, जो जिन 6 लड़कों को हमने रेस्ट दिया था वो हमारी ऑटोमेटिकली चॉइस थे, और मोहम्मद बड़ी अच्छी चीज ये है कि रिजवान ने परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी चीज है कि हमारी जो सेकंड स्ट्रेंथ की उन्होंने परफॉर्मेंस की है, ये बड़ा अच्छी चीज है, लेकिन जो हमारा अनफॉर्चुनेटली रिजवान हमारा कप्तान विकेट कीपर है, और उसने पिछले एक सीरीज में नहीं कई सालों से पाकिस्तान के साथ खेलता आ रहा है, और उसकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और रिजवान हमारा सेकंड विकेट कीपर है, अब हमारी बेंच की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, तो ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि चीज नहीं है कि उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया, आपने ये नहीं किया, लेकिन ये देखेंगे कि जिसको भी अब टीम में रहना पड़ेगा तो उसको अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। ये तो वैसे अगर मजाक में अगर आप खेलते 150 पे तो आपको पता चलता है क्या स्लाइड है, तो ये तो खेलते हुए जरा पता चलता था। तो असल में हमने मोहम्मद हुसैन है ना, जो इसको हमने देखा, वो एक अभी किसी भाई ने सवाल किया था कि क्या आपका किस चीज पे आप करते हैं कि कौन सा आपका लड़का स्ट्राइक करेगा, तो एक सरप्राइज ये पैकेज है हमारे पास कि जो लड़का 150 में बॉल करता है, तो ये मेरे ख्याल में है ना कि ये किसी भी टाइम टीम को मैच जिता सकता है, इस तरह के बॉलर होना टीम में कि हमारे पास दूसरे एक्सपीरियंस बॉलर है, जिस तरह हसन अली है, फहीम है, या ये जुनेद है, ये एक्सपीरियंस बॉलर है, इनकी सारों की स्पीड तकरीबन एक जैसी है, लेकिन बीच में से एक है ना कि ऐसा बॉलर आए जिसकी एक्सप्रेस पेस हो, तो मेरा ये ख्याल है कि वो किसी भी टीम को डैमेज कर सकता है किसी भी टाइम, और किसी भी टीम के लिए सरप्राइज पैकेज बन सकता है, तो और अल्लाह करेगा कि जी ऐसे ही हो। आसिफ अली को आपने ड्रॉप कर दिया, हम सभी जानते हैं कि आसिफ वनडे क्रिकेट में या T20 में आखिरी ओवर में जाकर हिट करते हैं, और हमारे कप्तान की भी बैटिंग परफॉर्मेंस आपके सामने है कि सरफराज नीचे से एक अच्छे से स्कोर नहीं कर रहा, या फिर इमाद से हम तौर को कहेंगे कि वो आसिफ अली हिटिंग करेंगे, और दूसरा मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करना है, लंबे अरसे से उनके वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कितना मुश्किल फैसला था आमिर जैसे सीनियर को इंग्लैंड में बाहर करना। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
हमारे पास अभी किसी भाई ने शर्मारी का भी नाम लिया था, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो सिलेक्शन हमारे लिए इतना ईजी नहीं था क्योंकि अच्छे लड़के थे हमारे पास बहुत। और जिस तरह आपने बात की है कि मोहम्मद आमिर भी सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है, और ये सही बात है कि उसके पिछले एक साल में उसकी जो सी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, तो लेकिन फिर भी वो बॉलर है कि हमने उसको फिर भी ये मौका देने के लिए अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो अल्लाह करेंगे कि ये ऐसा बॉलर है कि जी ये अगर रिदम में आ जाए, फॉर्म में आ जाए, तो ये किसी को भी हमने आईसीसी के वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इसने फाइनल में जिस तरह दूसरे इंडिया को एक ही अपने फर्स्ट स्पेल में इसने आउट कर दिया था उनके सारे मेन प्लेयर्स को, तो अल्लाह करेंगे कि जी ये फॉर्म ही आज तक टीम के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी जो दूसरे की आसिफ अली की आपने बात की है, देखिए हमने हमें हमारे पास जिस चीज़ की हम कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास लास्ट ओवर्स में आखिरी 10 ओवर्स में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो आके स्कोरों को तेज कर सके, 8-10 के एवरेज जगह बना सके। तो हमने इस रोल के लिए उमर अकमल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस दिए थे, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, मैं ये नहीं कहूँ जो ड्रॉप हो गया वो अच्छा प्लेयर है, वो भी अच्छा प्लेयर है, अनफॉर्चुनेटली प्लेयर नहीं कर सका। अब जहाँ हमारे 2 T20 भी हैं तो हम इसको मौका देके देख रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये क्लिक करे, तो हमें इस जगह की लिए एक प्लेयर की जरूरत भी है जो यहाँ परफॉर्मेंस दे सके। मुझे तो किसी ने बताया कि टीवी पे चल रहा है कि आपका 25 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा आपका, तो मैंने सभी से कहा कि यार 25 अप्रैल से टीम अनाउंस करवा दो, मेरे से कोई पता नहीं खत्म ही हो जाएगा। तो ये खत्म भी होगा, चलता भी रहेगा, ये बात की बातें हैं। अभी तो हमारे सामने ये मेजर इवेंट है, अल्लाह करेंगे कि जी इसमें हमें कामयाबी मिले, तो फिर आगे की बातें आगे देखते रहेंगे। ये जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड अभी आपने अनाउंस किया है, इसके अंदर 2-7 रिजर्व्स भी हैं, कितने चांसेस हैं कि ये पाकिस्तान का प्रीलिमिनरी स्क्वाड ही रहेगा या 23rd से पहले स्क्वाड बना जा सकता है, तो कितने कोई अदर टीम सेलेक्टर आप समझते हैं चांसेस हैं कि पाकिस्तान अमेंडमेंट्स करेगा अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में? ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास है, हमारे पास नहीं सारी टीमों के पास है, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 अनाउंस किए क्योंकि जी फिटनेस पे सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो इंशाल्लाह हम तो जिन लोगों को कर रहे हैं कि जो 15 हमने बना के भेजे हैं ये फिट भी रहे, बेहतर परफॉर्मेंस भी दें, सारी चीज़ें हों, और अगर हमें कहीं ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि ये बात सब की इंजरी हो जाती है जिस तरह अभी तक हफीज़ का है, तो फिर हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है, हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन हमारी पहली कोशिश यही है कि जो हमारा स्क्वाड है ये अच्छा परफॉर्मेंस दे 15 के लोगों का, और सारे लोग फिट भी रहे अल्लाह करे। अभी तक जो टीम अनाउंस हुई है उसमें जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं वो पिछली सीरीज में वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर सके, अगर खुदा ना खासा वर्ल्ड कप में ये परफॉर्म नहीं करते, क्या इस तमाम चीज की जिम्मेदारी आप खुद कबूल करेंगे या उसको करके कप्तान को कबूल करनी पड़ेगी? यार आपका दिल करे किसी पे भी डाल देना, हम बुरा भी सोचे हम अच्छा भी नहीं सोचते, ये किसी जिम्मेदारी आप यही बात पेश करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा पाकिस्तान टीम अच्छा जीत के आएगी, अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगी, तो आप ये कहेंगे यारी टीम इन सेलेक्टर्स ने बताई थी, इस कप्तान ने अच्छी कप्तानी की थी, इस कोच ने अच्छी कोचिंग की थी, तो हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं कि जिस समय होगा तो फिर पाकिस्तान में सारों को पता ही है कि फिर क्या होगा। यार भाई अगर मैं नहीं भी करूँगा तो आप तो दे ही नहीं मुझे, इसकी आप फिक्र ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा दोनों मुल्कों के लिए ना टफ रहा है, और
ये तो वर्ल्ड कप का बड़ा मैच है और ये हर वर्ल्ड कप में जिस टाइम 2003 का खेलते थे अनफॉर्चुनेटली हम वर्ल्ड कप में जीते नहीं हुए, तो वरना वो कहते हैं कि फाइनल से पहले फाइनल है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा से इसी तरह टफ हुआ है, उसमें इमोशनल इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें इमोशन इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, तो ये अभी उसी तरह का मैच होगा और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से ये उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह जो ये है कि हम वर्ल्ड कप में जीते अल्लाह इस दफ़ा हमें कामयाबी देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह का आमिर का स्टार्ट था, जिस तरह आमिर ने स्टार्ट लिया था, तो हम सारों का यही ख्याल था कि जिसने भी देखा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत लंबी खिदमत देगा और पाकिस्तान के लिए ये विक्ट्रीज लेके आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं हो सका। लेकिन अभी भी खेल रहा है और इंशाल्लाह ये कि जी आगे की तवक्को अच्छी रखने के लिए आगे ये हमारे लिए परफॉर्मेंस देगा और टीम को मैचेस जितवाएगा। भाई मेरा सवाल है कि हमारा बॉलिंग यूनिट तो पिछले 30 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग है मगर हम बैटिंग में मार खाते हैं और यहाँ तक कि सम टाइम हमसे 200 भी नहीं होता, और आप जैसे बैटिंग लेजेंड के होते हुए हमारे बैटिंग कोच भी हैं ग्रैंड टावर, ठीक है, तो मेरे लिए सवाल है कि ये फेम बने और हारिस सुहेल को किस बात से सेट किया गया आप काफी जिस्मानी हो गए, मुझे थोड़ा सा आपके सवाल से एहसास हुआ। तो ये दोनों जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, अभी हारिस सुहेल ने तो ये रीसेंट सीरीज में अगर कहीं मेरे फोन में होगी तो मेरे ख्याल में 350 रन किए हैं कि सात सीरीज है, दो सेंचुरियाँ की हैं, और मलिक पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान से मुसलसल खेल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, तो इसलिए खेल रहा है, तो इंशाल्लाह सारे टाइम आप खसारे की बात करते हैं, मेरा मतलब है कि प्रॉफिट की बात नहीं किया करते, सारे टाइम का खसारा अच्छा नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ आप अच्छा गुमान करें हर चीज़ का, तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। अकील अली हाशमी और रफी खान साहब, हमारी कोशिश सारों की ये है, सिलेक्शन टीम की भी और कप्तान की भी कोच की भी, कि हमारे से किसी के साथ ज्यादती ना हो। और वहाब रियाज का आपने बिल्कुल जिक्र किया, वहाब रियाज लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी से हमारे साथ वनडेज में नहीं है और उसकी जो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है वो T20 में है। अभी उसने पाकिस्तान कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि 10 आउट किए हैं, लेकिन ये कि जिन बॉलर्स जो हमारे साथ बॉलर्स आप कर रहे हैं जिस तरह जुनेद है या दूसरे लोग हैं, ये पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हम कोशिश नहीं करते कि जी किसी के साथ ऐसा ज्यादती हो, लेकिन अब मैं एक सिर्फ छोटी सी मिसाल दूंगा कि ये अभी जिस तरह ये पाकिस्तान कप था, 75 लोग सेलेक्ट कर रहे थे, हमारे 320 लड़के पाकिस्तान फर्स्ट क्लास के खेलते हैं, अब 75 लड़कों में कम से कम ऐसे लड़के होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है रह जाते हैं,
वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन कहीं हम भी अगर 8 फास्ट बॉलर अच्छे हैं तो हमने 5 रखने 3 कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती होगी, ऐसी नहीं बात है कि हमारी भी जिस तरह आपके लोगों की कोशिश है उस तरह हमारी भी ये कोशिश है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सके वो चीज़ लें। जी मेरा सवाल ये था कि आज सब हुई थी वसीम भाई से, उन्होंने उनका कहना यह था कि इस बार ब्लूट नहीं होगा क्योंकि टीमें बहुत सख्त हैं, तो क्या देखते हैं कि इसमें कौन सी टीम ऐसी है जो सरप्राइज पैकेज दे सकती है? किसने कहा जी इतना बहुत सा मुकाबला होगा और ग्रुप नहीं होगा, मतलब हर टीम के साथ साथ मुकाबला चल रहा है, कौन सी टीम ऐसी है जो आप समझते हैं कि सरप्राइज दे सकती है हमारी टीम के अलावा? देखिए वर्ल्ड कप का हमेशा से मैं तो नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड कप कोई फ्लूक है कि ये कोई इस तरह की चीज़ है, और स्पेशली इस दफ़ा ये 92 वाला फॉर्मेट है तो हर एक टीम के पास है ना एक बिल्कुल प्रॉपर चांस होगा कि जी अगर वो उसकी कुछ मैचेस बुरे भी चले जाए तो वो कम बैक कर सकती है, और इसकी एक इवेंट में ना कोई भी टीम किसी भी टाइम में ना क्लिक कर सकती है, कोई भी सरप्राइज पैकेज दे सकती है, और मैं बिल्कुल अपनी टीम को ये नहीं समझता कि जी मेरी टीम कोई सरप्राइज पैकेज देगी या ऐसी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जी बहुत अच्छी टीम है इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। रफी खान सर उसका सवाल यह है कि आपने दो रिजर्व खिलाड़ी साथ भेज रहे हैं, वो कि आप लोगों को छूट है आईसीसी की तरफ से दो खिलाड़ी शामिल किए जा सकते, लेकिन 15 रुकनी जो स्क्वाड है कि आप ही समझते हैं कि ये लोग अंडर प्रेशर होंगे, और फिर फर्क कि अगर कोई आमिर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे दे जाता है तो वो टीम का कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जिसको आप ड्रॉप करेंगे? खान साहब आपने काफ़ी सारे सवाल एक ही दफ़ा कर दिए, तो मैं तो पहली बात तो जो आखिरी सवाल है कि आमिर अल्लाह करेंगे कि जी हमारे जो भी लड़के जाए वो बेहतर परफॉर्मेंस दें, देखो हमेशा यानी चीज़ अच्छी होती है सेलेक्टर्स के लिए कि टफ कंपटीशन हो, ठीक है जी सिलेक्शन मुश्किल हो तो इसका मतलब है कि जी आपकी टीम सही बन रही है, कप्तान के लिए 11 बनाना मुश्किल हो तो अच्छी बात है कि जिसका मतलब है कि आपके पास है चॉइस बहुत है, टीम आपकी बेहतर है, तो इंशाल्लाह आमिर का बड़ा अच्छा है कि जी आमिर अगर जाए उसको मौका मिले तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगी कि हमारे सारों से सीनियर हमारा बॉलर है, और अगर ये स्ट्राइक करेगा तो ये टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो अभी तो आमिर के खेलने तक बात रह गई थी, किसने वापसी आना उसको छोड़ दें अभी तो, लेकिन ये कि जो भी हमारे लड़के जाए अगर ये परफॉर्मेंस दें तो ये टीम के लिए बहुत बेहतर है। ये मुझे नहीं समझ आया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान खेला तो उसको किसने खिलाया था, तो उसको भी हमने खिलाया था, तो उसको भी सारा चीज ये वाली चीज नहीं है कि जी हम किसी से कि जी क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं हो रही। देखिए आपका जो कप्तान है सरफराज अहमद वो पिछले 3 साल से अकेला उसने विकेट कीपिंग की है, सारी चीजें उसने की है, अभी इस टूर पे अगर कहीं हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम भेज सकते हैं। आप इस चीज को देखेंगे कि हमारी सेकंड स्ट्रेंथ मजबूत हो गई है, रिजवान की जहां जरूरत पड़ेगी, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास सेकंड विकेट कीपर ऐसा है कि जो हम जिस टाइम उसको खिलाएंगे तो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, और बाकी रिजवान है वो अभी हमारे सेकंड विकेट कीपर है, फर्स्ट विकेट कीपर नहीं है। आपने बड़ा अच्छा कम्बिनेशन लाया टीम का, ये मेरी तौर पर ये मेरी कम्बिनेशन बोल आपके, लेकिन माजी मौका ये रहा है कि सेलेक्टर जो है वो एक अच्छा कम्बिनेशन बना के भेजते हैं 15 का, लेकिन जब फाइनल 11 होती है वो फिर कोच कप्तान क्या करती है और की सेलेक्टर जो है दिन बताता रहता है, तो क्या इस दफा कोई
इसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप टीम के साथ विजिट करेंगे? देखिए एक तो जिस टीम का बिल्कुल ये कप्तान और कोच के क्या है क्रिया है कि जिसमें वो 11 सेलेक्ट करते हैं और होना भी उन्हीं का चाहिए। हाँ अगर कहीं मैं महसूस करता हूँ तो मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ, और अक्सर सीरीज वगैरह में ये है मैं चला भी जाता हूँ और जाके भी मैच से पहले सरफराज से और कोच से मैं बात कर लेता हूँ, कप्तान और कोच से। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसे अगर मैं नहीं भी हूँ तो मैं वैसे भी बात कर सकता हूँ उनसे, ऐसी भी बात। लेकिन फिर भी जो दूसरा 11 का दूसरा एरिया है वो कप्तान का और कोच का है तो मेरे ख्याल में, और जो वो बेहतर समझते हैं क्योंकि वो ज़्यादा करीब है, हर रोज की साथ हैं लड़कों के, तो मेरे ख्याल में सही कम्बिनेशन खिलाते हैं। उसकी फहीम अशरफ की ना बिल्कुल हम वो आप उसको ऑलराउंडर ना कहें लेकिन उसकी एज ए फास्ट बॉलर उसकी पोजिशन बहुत अच्छी है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और आप उसको ये समझें कि इज ए गुड टेल हैंडर बैट्समैन, और लेकिन उसमें पोटेंशियल है क्योंकि वो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। ठीक है जी, हम उस पर जो हमारे कोचेज हैं टीम का स्टाफ है वो काम कर रहा है कि अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, लेकिन एज ए फास्ट बॉलर भी उसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। इंदी भाई पहले जब भी कभी सीरीज वगैरह होती है टीम की तो एक प्लेयर ऐसा होता है जो जाके आके होते जैसे अफरीदी रजा, ठीक है, लेकिन आसिफ अली एक हमारे पास लास्ट है उनकी वजह से नहीं खेल सकते लेकिन उनको भी रिजर्व स्टार्टिंग नहीं, उनको इसीलिए हमने साथ रखा है क्योंकि वहाँ हमारे पहले दो टी ट्वेंटी है उसमें देखेंगे हम ना करेंगे कि जो परफॉर्मेंस दें, और जो जिस तरह जो रोल आपने कहा है वो बिल्कुल सही है क्योंकि हमें बिल्कुल ज़रूरत है इस तरह की। मैंने पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि हमें इस तरह के एक प्लेयर की ज़रूरत है क्योंकि जो आखिर के ओवर में आके ना थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बढ़ाए, जो हिटिंग कर सकता हो, तो ये हमारे हमें एक प्लेयर ऐसा चाहिए। अल्लाह करे कि आसिफ अली वहाँ क्लिक करे तो ज़रूर बड़ा अच्छी चीज़ है लेकिन कि छठे सातवें नंबर पर जाके हमारे पास इस तरह का कोई प्लेयर हो। लास्ट क्वेश्चन मज़हर अरशद जी भाई, शुएब मलिक की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी बात हो रही है कि लास्ट दो सालों में भी खास परफॉर्मेंस और इंग्लैंड में उनकी सिर्फ 13 की है या 20 साल के करीब में सिर्फ 1.50 है इंग्लैंड में, तो समझते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कारण हो सकती है? देखिए हमारा सबसे सीनियर प्लेयर है और दो साल में उसकी जो परफॉर्मेंस है आपने ये सही कहा कि इंग्लैंड में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर है और हमारा सीनियर प्लेयर है तो मेरा नहीं, अब मैं ये नहीं कहता कि जो उसने पिछले रूल में इंग्लैंड में अच्छा नहीं किया तो अब भी नहीं अच्छा करेगा, अच्छे की होप रखनी चाहिए और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है जिस तरह का वो खेला है उसने पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस भी जितवाए हैं इस पीरियड में, तो इंशाल्लाह होपफुली क्योंकि वर्ल्ड कप में भी वो अपना जिस तरह वो सीनियर प्लेयर है अपना सीनियर प्लेयर का रोल अदा करेगा। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।